सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी खासी हुई होगी। जैसा कि अगर हम बात करें आज बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी हमें एक आज गैप डाउन पे ओपन होते हुए दिखा था, वो भी सिर्फ 60 पॉइंट के गैप डाउन पे। उसके बाद फिर से मार्केट ने हमें एक अपर साइड के मूवमेंट में मूव करता हुआ दिखा, अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी लास्ट में थोड़ा सा जरूर एक डाउन साइड मूवमेंट दिखाया था, और कम से कम आप बात करें तो 180 पॉइंट का हमें एक डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिला था। वो आज पूरी रिकवरी करने के बाद फिर से बैंक निफ्टी ने अपना एक हाई बना दिया 13,280 का, वो आज का एक हाई था ये। और इसके बाद फिर से यही हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने हमें एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। पहले तो हमें यहाँ बैंक निफ्टी ने एक ओपनिंग दी डाउन साइड गैप डाउन पे, उसके बाद हमें एक अपर साइड के मूवमेंट पे मूव करता हुआ दिखा, लगातार हमें एक अपर साइड के मूवमेंट मूव करता हुआ दिखा। और कम से कम अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ तक अपना एक पॉजिटिव बना लिया था, हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया था। उसके बाद फिर हमें एक फॉल देखने को मिला और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला था। हमें यहाँ पे काफी ज्यादा जरूर बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया था, लेकिन हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था यहाँ पे एक अपर साइड के लिए। यहाँ पे डाउन साइड के लिए तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट चल रहा था। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मूवमेंट था, लेकिन पॉइंट्स का कम मूवमेंट था लेकिन ज्यादा मूवमेंट था। उसके बाद फिर से हमें एक डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिला, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था, यहाँ प्रॉफिट बुक किया हमने अच्छा खासा। फिर से हमने लगातार यहाँ पे सस्टेन किया बैंक निफ्टी ने, फिर से हमें अपर साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, फिर से हमने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। और यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने इतना एक हाई बना दिया था आज का, तो फिर से हमें एक फॉल देखने को मिला, हमने फिर से यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ जब डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हमने फिर से यहाँ पे ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके फिर से यहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर से जब हमें काफी टाइम के बाद एक डाउन साइड के लिए एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हमने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड ली और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके हमने इस बार यहाँ पे हम एग्जिट ले लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था। और जिस तरीके से हमने देखा था कि कल भी हमें एक डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिला था, उस तरीके से आज भी हमें फॉल देखने को मिल सकता था, इसलिए हम थोड़ा सा वेट किया, हमने थोड़ा सा वेट किया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हम निकल यहाँ से निकल गए। उसको देख सकते हैं हम लगातार किस तरीके से फॉल चल रहा है अभी। पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन पे, उसके बाद रिकवरी होती है, फिर से हमें एक डाउन साइड के लिए फॉल देखने को मिलता है। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि बैंक निफ्टी हमें एक डाउन साइड के लिए ओपन होते हुए दिखा था, 200 पॉइंट के एक गैप डाउन पे ओपन होते हुए दिखा था, फिर यहाँ से हमें अपर साइड के मूवमेंट मूव करता हुआ दिखा और यहाँ पे फिर से अपना एक हाई बनाया था, फिर से वहां से हमें एक डाउन साइड के लिए देखने को मिला। उसी तरीके से आज फिर से हमें एक बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से चार्ट पैटर्न पे मूव करता हुआ दिखा, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया। अगर हम बात कर लें कल के लिए हमारे लेवल रेजिस्टेंस क्या होने वाली है, तो कल का हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपर साइड के लिए, क्योंकि ब्रेक करना होगा मार्केट को पहले तो हमारा एक, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पहला तो 43,140 का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 43,140 का हमारा रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करना होगा। ऐसे ब्रेक करता है आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 43,200 का आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है 43,280 का आपको दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है, और तीसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मूव करता है तो आपको तीसरा लेवल 43,350 आपको तीसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है अपर साइड के लिए। यदि हम बात करें मार्केट के अंदर अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलती है, यहीं पे यहीं पे बैंक निफ्टी क्लोज होती है, जैसा कि अभी सिर्फ 18 मिनट बाकी है, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहीं पे क्लोज होती है, तो डाउन साइड के लिए हमारा एक सपोर्ट है, क्योंकि ब्रेक करना होगा पहले तो उसको बैंक निफ्टी को, जो कि यहाँ पे 42,960 का हमारा एक 960 का हमारा एक डाउन साइड के लिए सपोर्ट है, उसे ब्रेक करना होगा पहले तो। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है यहीं पे बैंक निफ्टी के अंदर 42,890 का आपको पहला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है यहीं पे 42,800 का आपको दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और तीसरा भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है यहीं पे बैंक निफ्टी के अंदर 42,740 का, 40 का आपको तीसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है यहीं पे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी हमें सस्टेन करती है और हमारा रजिस्टर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कल के दिन, आपको मार्केट के अंदर उसी तरफ ट्रेड करना है, 100% आपको प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नेक्स्ट एसेट के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।